स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नवीन दहिया में। आज हम करेंगे जून 2018 के B.Ed फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। जून 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे, CRSU ने एग्ज़ाम लिए थे, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 2017 के सारे क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में मैंने अपलोड कर किए हुए हैं और PDF फाइल भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो PDF फाइल से आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ये B.Ed फर्स्ट ईयर के 2018 के क्वेश्चन पेपर हैं। बचते हैं आपके 2016 के क्वेश्चन पेपर, वो मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी जैसे मुझे टाइम लगता है। तो आज देख लेते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर के 2018 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। CRSU ने एग्ज़ाम लिए थे इसके। फर्स्ट आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका कंपलसरी है। नेक्स्ट 4 यूनिट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं क्वालिटी दिख रही है, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े से क्लियर दिखाई दें। मैं तो HD में वीडियो डालती हूँ, लेकिन क्या है कि यूट्यूब की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आपको सिर्फ 360p या फिर 480p में ही आपको क्वालिटी अवेलेबल हो रही है फ़िलहाल। तो प्लीज़ आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, अदरवाइज़ आप PDF फाइल से अपने जो क्वेश्चंस पेपर है उसको इजीली आराम से देख सकते हो, ठीक है। हम थे B.Ed फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर पर। देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। पर यूनिट 1 क्वेश्चन का 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस होगा, 1 क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट में भी सेम प्रोसीजर, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, यूनिट वाइज आपको वो 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन 16 मार्क्स का। और देखिए, सेकेंड यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम ये कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से ज़्यादा आएंगे, तो सेकेंड यूनिट बिल्कुल सारी ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एक दो क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। इसमें से 16 मार्क्स में बनते हैं क्वेश्चन, 4 मार्क्स में भी बनते हैं। 2 क्वेश्चन को 16 मार्क्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो सेकंड यूनिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी की पूरी यूनिट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, इसमें भी आपको सेम 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट 4 यूनिट भी, फिर ये देखिए हिंदी मीडियम में है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग का है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, नेक्स्ट फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है, पर यूनिट 1 क्वेश्चन आपको लिख के आना है। ये नीचे हिंदी मीडियम में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, आपको PDF फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी है, हर क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा आपको। और देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इफेक्ट, ये क्वेश्चन जो है अब 2018 में 4 मार्क्स में आया है। 2017 में आपने देखा होगा 16 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। तो CRSU का यही एक फंडा है, कुछ क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं 4 मार्क्स में दे देते हैं फर्स्ट ईयर, उन्हीं को नेक्स्ट ईयर 16 मार्क्स में, मतलब हेर फेर करके उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, पहले 16 मार्क्स में, फिर 4 मार्क्स में, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस डाल दें। तो इसलिए लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, और उससे आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं वो पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में है। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में देखिए जो थ्योरी हैं प्याजे की हैं, पेवलव की है, थोरनडाइक की है, तो एक मिनट, हाँ जी सॉरी गाइस, ये देखिए जो फर्स्ट यूनिट है इसमें एक तो प्याजे की थ्योरी है आपकी, एक एरिक्सन की है, एक कोलबर्ग की है। तो तीनों थ्योरी में से आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्याजे की थ्योरी है,
एरिक्सन के भी है इम्पोर्टेंट, बट आई नहीं है आज तक, तो कुछ कह नहीं सकते। अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो फर्स्ट यूनिट में एक तो पेरेंटिंग स्टाइल है, और नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्याजे की थ्योरी हम कह दें, तो प्याजे की थ्योरी भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 16 मार्क्स का। नेक्स्ट सेकंड यूनिट में आपकी जो नेक्स्ट सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट काफ़ी लेंथी है, लंबी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, तो उनमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के वो आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन पेपर देख लें। थर्ड यूनिट में जो आपकी थ्योरीज हैं थोरनडाइक की, पेवलव की और स्किनर की, ये तीनों थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से एक थ्योरी आती है, अदरवाइज़ ये जो सेकंड सॉरी सिक्स एंड सेवन्थ क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अब जो एग्ज़ाम हो आपके उसमें थ्योरी डाल दें। नेक्स्ट फोर यूनिट काफ़ी इजी, बहुत इजी यूनिट है फोर्थ यूनिट, आप अगर एक बार बस रीड कर ले तो आपका काम चल जाएगा फोर्थ यूनिट में, ठीक है। लेकिन आपकी जो थ्योरीज हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पेपर आपका टीचिंग सब्जेक्ट, फर्स्ट जो तीन पेपर होते हैं कंपलसरी वो मैंने बता दिया आपको, ये है आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, इसमें भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। नेक्स्ट फोर यूनिट में आपको टू क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आना है। टीचिंग सब्जेक्ट में आपके जो इम्पोर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट में ब्लूम टैक्सोनॉमी है, लेसन प्लान है, थर्ड यूनिट में आपका स्किल्स हैं, और फोर्थ यूनिट में आपके इवेल्युएशन है। पर यूनिट एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करें, अच्छे से कवर करके जाएं, तो आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी लगेगा आपको एग्ज़ाम में। ये हिंदी मीडियम का है, अगर आपको हिंदी मीडियम में आपने किया हुआ है तो आप हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में आती है, कॉमर्स में भी आई है और इकोनॉमिक्स में भी आई है। आप क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल में देख लेना, बहुत इतनी तो क्लियरिटी नहीं होगी वीडियो में, लेकिन आप पीडीएफ फाइल से आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट गिवन है। नेक्स्ट इसी पेज पे आपको ये देखिए फोर्थ यूनिट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम भी साथ साथ दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्लियर नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर है मैंने अवेलेबल कराने की कोशिश की है कि आपके जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएं। ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, ये आपको हिंदी मीडियम में मैं नहीं अवेलेबल करा पाऊँगी बिकॉज है नहीं मेरे पास, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही है। और नेक्स्ट आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये भी इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम में नहीं मिला मुझे, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में भी आपको टू क्वेश्चन गिवन होंगे 16 मार्क्स के, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके आना एग्ज़ाम में, पर यूनिट आपको इसी तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे क्वेश्चन के।
नेक्स्ट पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, ये भी मेरे पास नहीं था लेकिन रिटर्न में मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, नेक्स्ट थर्ड यूनिट, नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, फिर आपका पैडागोजी ऑफ हिंदी। इसकी मैंने अलग से वीडियो नहीं बना रखी, तो आप इसी में देख लेना अपना जो क्वेश्चन पेपर है पैडागोजी ऑफ हिंदी का। ये फर्स्ट यूनिट है, 16 मार्क्स का पर क्वेश्चन। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, आप पीडीएफ फाइल से आराम से अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। ये फोर्थ यूनिट है। नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है इसमें। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। और सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टीचिंग सब्जेक्ट में आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे, लेसन प्लान, ब्लूम टैक्सोनॉमी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो रिपीट होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट आपकी, और इसमें इवैल्यूएशन के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, सारे आपको फोर्थ यूनिट में मिल जाएंगे। लास्ट में आपको इवैल्यूएशन ही करना पड़ता है, आप अगर क्लास में भी जाते हैं तो सब कुछ पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद आप लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसी तरह से जितने भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट है सारे के सारे आपको फोर्थ यूनिट में आपको इवैल्यूएशन की यूनिट मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2018 के, पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और 2016 के जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्द ही अवेलेबल कराने की मैं कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और अपने जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।